रिहर्सल के लिए देर हो जाएगी। अखिल, अखिल प्लीज, कहाँ हो तुम? कमाल, तुम भी कमाल का चीखती हो सुनैना। तुम्हें तो हॉरर सीरियल्स में काम करना चाहिए। तुम्हारी सेंस ऑफ ह्यूमर की वजह से। स्टूपिड, अगर मुझे कुछ हो जाता तो? ऐसे कैसे हो जाता? तुम्हें तो मैं फूलों की सेज पे बिठा के रखूंगा। हाँ हाँ, फूलों की सेज में। स्टूपिड, क्या? कम विद मी। नो। अरे आओ ना। कहाँ लेके जा रहे हो? अरे दिखाता हूँ ना, आओ। कम 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 कम। सुनैना, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। अखिल, कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? अरे आओ तो। अखिल, कैसी जगह है? सी, अब ये क्या है? खोलो तो। एक्चुअली मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता था। अब ये क्या है? अरे कपड़ों का बक्सा है। मुझे भी नहीं पता था कि इस थिएटर में ये हॉल भी है और उसमें ये बॉक्स। सी? वाओ, अगले महीने के प्ले में मैं डॉक्टर का रोल कर रही हूँ और मैं एक पायरेट का। तो हो जाए कॉस्ट्यूम रिहर्सल। चलो चलो। कैसा लग रही हूँ डॉक्टर साहिबा? बहुत अच्छा मिस्टर पेशेंट। चलो इधर जल्दी से लेट जाओ, जल्दी लेटो, सांस लो। मुंह खोलो, जीभ बाहर, बस आंखें। दिस इज अ साइन ऑफ जॉन्डिस। पेशेंट को जनरल वार्ड में अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। क्या बात? ये हार मुझे दे दे लड़की। बिहेव योरसेल्फ। डॉक्टर के साथ ऐसी हरकत? मैं डीन को तुम्हारी रिपोर्ट करूंगी। समुद्री लुटेरे के साथ ये हरकत? गबरू, क्या बात है भाई, बहुत हंस रहा है। विक्रम, ये लीली ना, जब ऊपर वाला दिमाग बांट रहा था, ये मैडम गार्डन में घूम रही थी।
कहती है कि इनका कान काट लेने से ये देख नहीं सकेंगी। लीली, कान काटने से तुम बहरी हो जाओगी, अंधी नहीं। भाई इतनी भी बेवकूफी अच्छी नहीं होती। नहीं सर, अगर मेरे कान कट जाएंगे तो मैं सच में देख नहीं सकूंगी। अच्छा कैसे? सर देखिए ना, अगर मेरे कान कट जाएंगे तो मैं चश्मा नहीं पहन पाऊंगी, और अगर मैं चश्मा नहीं पहन पाऊंगी तो मैं देखूंगी कैसे? गबरू पॉइंट, तुम तो आइंस्टाइन से भी बड़ी जीनियस हो। बिखरा, इस बोतल में कौन सा भूत है? एक अफ्रीकन विच डॉक्टर कंपाला भूत, जो अपने जादू से बारिश करता है और उसी बारिश से जंगलों में बाढ़ लाता है। ये तो नाट्य कला थिएटर के कैंटीन के समोसे की मेरे क्या लगता है किसी एक्टर की होगी। आखिर भंडारी, तो यही वो कपड़े हैं, दिखाओ। वाओ गबरू, ये तो पायरेट के कपड़े हैं। नहीं गबरू, ये कोई आम कपड़े नहीं है, भूत के जाल से बने हुए कपड़े हैं। इन्हें पहन के मुझे पता नहीं क्या हो गया। बेचारी सुनैना, मुझे तो कुछ पता भी नहीं चला। तो फिर तुम्हें पता कब चला? सुनैना को मारने के बाद भी मैं लुटेरे के रूप में ही रहा। उसके जेवर लेके मैं जब बाहर निकला तो बारिश में भीग गया। पर मुझे सर्दी लग गई, और जब मैं थिएटर में वापस आया तो मैंने अपने इन कपड़ों को देखा। मैंने सोचा कि मैं इन्हें बदल लूं, और जैसे ही मैंने इन्हें बदला तो मैं वापस नॉर्मल हो गया। और स्टोर रूम कहाँ है? Hey guys, इस बार के कॉलेज प्ले का अवार्ड हमें ही जीतना है, alright? Why not? हमें ही जीतना है। 15 दिन बाकी है प्ले के लिए, रिहर्सल्स के लिए आता है। चलो यार गाइस, लेट्स बी सीरियस, अपना सामान उठाओ और चलो स्टेज पे यार, प्रैक्टिस करते हैं। ठीक बोल रही है नुपुर, वेरी राइट। सही बात है, लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, इस बार हम लोग ही बेस्ट एक्टर्स होंगे और हमारा ही प्ले बेस्ट होगा। हाँ हाँ जरूर, रिहर्सल पे तो कोई आता नहीं है, प्ले जरूर बेस्ट होने वाला है। Hang on guys, look at that, costumes, don't touch. सामान उठाओ यहाँ से और चलो। तू चुप कर, और कम से कम यहाँ पर हमारी गुरु बनने की कोशिश मत कर, समझी? एक दिन एक्टिंग में तुम सब मुझे अपना गुरु मानोगी। The best actress award goes to Jenny. क्योंकि मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ। ग्रेट, या श्योर व्हाटएवर। अरे ये क्या है? अमेजिंग, इसमें तो सारे कॉस्ट्यूम्स हैं जो हमें हमारे प्ले में लगने वाले हैं। बट वेरी केयरफुली। यस टीचर। हे गाइस, हैंगमैन, मैं जल्लाद बनूंगा।
अमेजिंग है, लुक एट दिस, ऑसम। मैं तो नागिन बनूंगी। अमेजिंग ड्रेस। मैं तुम्हारे कॉन्ट्रास्ट में बनता हूँ ड्रैकुला। और मैं प्ले में टाइन का रोल प्ले करूंगी। गेस व्हाट गाइस, इसे तो मेकअप की भी जरूरत नहीं है। ए, तू चुप कर, तेरे लिए तो जिंदगी मजाक ही है। जेनी, तू ये डाइन का आउटफिट पहन ले। नो वेज, मैं नहीं पहनूंगी कोई फालतू आउटफिट भूतों भूतों की। यू नो गाइस, मैं तुम सब से हट कर हूं, बिल्कुल अलग, इसीलिए मैं कुछ अलग पहनूंगी। हट के अलग। जेनी, व्हाई डिडंट यू ट्राई दिस बेबी डॉल? मैं नहीं पहनने वाली ये। जरूर पहनूंगी। हे गाइस, लगता है किसी ने ये ड्रेसेस हमारी रिहर्सल के लिए यहाँ रखे हैं। हाँ यार, सीरियसली यार, इसलिए है। लेट्स ट्राई करते हैं। हाँ, चल चल। अच्छा, लड़कियां लेफ्ट साइड जाना और लड़के भी लेफ्ट साइड। ओके, शादी में जी। कहाँ अंदर जा रहे हैं? अंदर जाने के लिए आपको आई कार्ड दिखाना पड़ेगा। आई कार्ड? ये स्टूडेंट्स का थिएटर है, स्टूडेंट्स के अलावा एक्टर लोग ही अंदर जा सकते हैं। देखो भाई साहब, मेरा अंदर जाना बहुत जरूरी है, बहुत बड़ा खतरा है अंदर। जरूरी वरूरी कुछ नहीं है, बिना आई कार्ड के आप अंदर नहीं जा सकते। देखो लेकिन जमाल से अच्छी, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। यार इन कपड़ों की फिटिंग इतनी अच्छी है कि ऐसा लगता है जैसे हमारे लिए बनाए गए हो, है ना? सीरियसली? क्या सच? तुम्हारे लिए ही बनाए हैं। अरे आपके कपड़े तो बहुत अच्छे हैं, क्या आप भी ड्रामा में काम करोगी? ड्रामा? ड्रामा तो अब शुरू होगा। वैसे मेरे कपड़े कैसे लगे तुम्हें? ये कपड़े आपके हैं? यू मीन आपने बनाए हैं? अपने इन ही हाथों से। वेरी नाइस। वैसे हम सब ड्रामा इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं, और आप? लोगों को मैं फांसी दूंगा। मैं हूं पिशाच, लोगों का खून चूसता हूं। मैं नागिन, मुझे तो बस जसना है। नेचुरल सबको मेढक बना दूंगी। मम्मी, मुझे मम्मी के पास जाना है। आंटी, आंटी मुझे मम्मी के पास लेके जाओ। मुझे मम्मी के पास जाना है। आंटी, मुझे मम्मी के पास लेके जाओ। आंटी नहीं, वस्त्रिका। जिस दिन मेरा कपड़ों से भरा ये जादुई बक्सा खाली हो जाएगा, मुझे मिलेगी मुक्ति इस छक से
और मैं चुड़ैलों की दुनिया में चली जाऊंगी उनकी रानी बनकर। कौन रोकेगा मुझे? ए वॉचमैन, हमें अंदर जाने दो। आपके पास आई कार्ड है? हाँ। दिखाइए। ये लो। ये तो किसी इंजीनियरिंग कॉलेज का कार्ड है, वो भी किसी लड़के का? हाँ तो क्या हुआ, आई कार्ड तो है ना, मेरे भाई का है। कबरू तुम इसे सोना दे दो। मैं अपने सोने को सिक्के नहीं दे सकता, नहीं दूंगा। एक मिनट, देखो तुमने कहा कि अंदर सिर्फ स्टूडेंट या एक्टर जा सकते हैं, राइट? हाँ। तो फिर ये एक्ट्रेस है? मैं? पर मैंने तो कभी इनको देखा नहीं। तुमने बंगाली फिल्में देखी है? नहीं। तभी तो, ये बंगाली सिनेमा की बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, लिली सेन, पहचानो? हाँ हाँ, मैं लिली सेन। हाँ, बंगाली सिनेमा के लोग तो अवार्ड जीते रहते हैं, लेकिन क्यों बाबा, बंगाली एक्ट्रेस एक्ट्रेस नहीं? नहीं मैं, आइए मैडम आप जाइए। ए आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे बाबा हम उसका सेक्रेटरी है। और ये मेकअप मैन। मैडम ऑटोग्राफ? बाद में। चार शिकारी। और एक शिकार। किसे मिलेगा शिकार? बस कुछ ही कपड़े बचे हैं वस्त्रिका के बक्से में, जैसे ही ये कपड़े खत्म ये खेल भी खत्म। खेल तो अभी शुरू हुआ वस्त्रिका। तुम कौन? अकल की दौलत से जो है माला माल, मिलो मुझसे वस्त्रिका, मैं हूँ विक्रांत। विक्रांत, मशहूर भूतनाशक विक्रांत। क्या चाहते हो तुम? मेरे बक्से में से कपड़े पहनोगे? कपड़े तो मैंने पहन रखे, लेकिन अगर तेरा मकसद नहीं पता चला ना, तेरी खाल उतार दूं। मुझे मारकर क्या मिलेगा तुम्हें? हाँ रोक सकते हो तो उन पांचों कुरों को जाओ। कौन पांच? वही बेचारे कलाकार जो अब खूंखार बन गए हैं। हाँ सर, यहाँ कुछ लड़के लड़कियों के कपड़े भी हैं। मुझ पे अपनी ताकत मत आजमाओ विक्राल, कुछ नहीं मिलेगा। उन बच्चों ने खतरनाक कपड़े पहने हैं। लिली कबरू कम ऑन भागो, भागो, चलो बाहर निकल। तेरी कटिंग तो मैं बाद में करूंगा। काट डालूंगी। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत मुलजिम जेनी को ताजिरात हिंद दफा 302 के तहत फांसी का हुक्म करार देती है। टू बी हैंग अंटिल डेथ। मुझे छोड़ दो। रुको। हाहाहा
अनुष क्या बोला, तुम्हें भी फांसी में चढ़ा दूंगा। फांसी और तू मुझे देगा? छोड़ दे से, मैं इसकी हड्डियां पका के खा जाऊंगी। जाती है करे बुढ़िया। बुढ़िया और तू अब तुझे कौन बच जाएगा? मुझे जाने दो। अच्छा मैं तुझे बड़े प्यार दिखाऊंगी। अच्छा अच्छा बहुत प्यार दिखाऊंगी। अच्छा बाकी तीनों को बचाना होगा। तीन नहीं लीली, चार। चार नहीं, पांच में से एक गया तो तीन ही बचे ना। पांच डबल शराब है, लेकिन हम उन्हें तभी बचा सकेंगे जब वो खुद अपनी मर्जी से कपड़े उतारे, जैसे अखिल ने किया। लेकिन कैसे बिकराल? सोचते हैं। लीली मत सोचो, come on। आ जाओ। मैं ना अपनी टीचर को इन सब की नाप बताऊंगी, फिर इन सब की पिटाई होगी। बैड बूच। घबराओ मत बच्ची, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूं। फ्रेंड हो अंकल? आप मुझे तंग तो नहीं करोगे ना? मैं तुम्हें बिल्कुल तंग नहीं करूंगा। आओ मेरे पास आओ, आओ। अंकल आपके आपके दांत इतने क्यों शाइन कर रहे हैं? वो मैं रोज ब्रश करता हूं ना, इसलिए। आओ पास आकर देखो, आओ पास आकर देखो। बस थोड़ा सा खून। ओए डैकला की चड़ियो लाट, छोड़ दे उसे। तुम तो बहुत तंदुरुस्त दिखते हो। आजमाओगे? सर क्रॉसबो दो। नहीं लीली, ये बेचारा अनजान है, मैं इसे बचाने आया हूं, मारने नहीं। ओ,
देखो मेरी बात सुनो, वो कपड़े बदल लो, तुम ठीक हो जाओगे। कम ऑन, जैसा तुम कहो। अकेले अकेले हाँ नागिन, तू जा यहाँ से, ये मेरा शिकार है। शिकार के लिए लड़ना भी पड़ता है। देखो तुम दोनों वो नहीं हो जो बने, मेरी बात सुनो और अपने कपड़े बदल लो। कमान नागिन, तेरे फन को मैं आज कुचल के रहूंगा। चिमगदर की औलाद, तेरे पर तो मैं काटूंगी। अगर इन्हें नहीं रोका तो एक दूसरे को मार देंगे। लिली कम ऑन। तुम दोनों की लड़ाई में मैं तो चला। कम ऑन लिली। तुम कहाँ जा रहे हो? वो मेरा शिकार है। मैं जाऊंगी। वो मेरा शिकार है। तुम कहाँ जा रहे हो? मेरा शिकार है। वो लड़की तो हाथ ही नहीं आ रही, लगता है मुझसे भी डरती है। कुछ तो करना होगा जिसे बच्चे अपने कपड़े बदले, शायद उन लड़कियों के साथ कुछ हो सकता है। कौन कपड़े तेरा? बदबूदार, इन्हें देखकर तो कोई भी डर जाएगा। ये लो, इन्हें पहन लो। इन्हें पहनोगी तो जेनी तुम्हारे पास आएगी और फिर तुम उसे समझ गई। लाओ कपड़े दो। चलो एक तो ठीक हो गई। कैसी लग रही हूँ मैं? जेनी, 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 अब तो मेरे पास आ जा। कैसे हुआ बिकरा? उसने तो बुरे कपड़े भी बदल लिए फिर भी ठीक नहीं हुई। आखिर कैसे ठीक हुआ था? अरे हाँ, पानी, हमें उनके कपड़ों को पानी से भिगोना होगा, फिर उनका इफेक्ट दूर हो जाएगा। आई एम श्योर। लिली पानी। ये तो बहुत ही आसान तरीका है बिकरा, किससे शुरू करें? डस्ट लूंगी।
सबसे पहले उस चैनी को रसूगी। ये तो अभी भी नागिन है। पानी डालने पे भी कुछ नहीं, कपड़े बदलने पे भी कुछ नहीं। वो अखिल कैसे ठीक हुआ था? पानी डालने से बारिश का पानी। अरे हाँ, बारिश का पानी। लगता है बारिश का पानी वो ताकत को नाकाम करेगा। That's right. वाओ, तो फिर बारिश ही करवा देते हैं, सब भीगकर ही ठीक हो जाएंगे। बारिश करवा देते हैं, हम क्या भगवान हैं? इसमें मदद करेगा कंपाला भूत। कौन लाला? शराब कब लो? अरे अरे, वो कंपाला भूत की बोतल किधर गई? सर, वो बोतल तो बस्तिका के कमरे में ही गिर गई थी, मैंने देखा था। ओह माय गॉड, पहले क्यों नहीं बताया? चलो करो, कम ऑन। अरे लिली, कहां पे देखा था तुमने? सर, शायद यहाँ इसे ढूंढ रहे हो। मेरे सर को मारा। मेरे नए कपड़े। अब तुम्हारे हाल की बात है। प्लीज, नो फाइटिंग, नो फाइटिंग। कोशिश मत करना, मैं तुम्हें तभी आजाद करूंगा जब तुम यहां पे बारिश करवाओगे। नहीं नहीं, हाँ, मैं करता हूं, मैं अपने जादू से बारिश करता हूं। जल्दी हंगूला कंपाला अजीबो बकाजू, हंगूला कंपाला अजीबो बकाजू, हंगूला कंपाला अजीबो बकाजू, हंगूला कंपाला अजीबो बकाजू। थैंक यू।
चलो अंदर चलो वापस। थैंक यू। क्या करने जा रहा था? क्या हो गया था? मैं चुड़ैल बन गई थी। ओह गॉड, जेनी हम सब ठीक हो गए। अरे अरे, मैं तो नागिन बन गई थी। मैं इंसान बन गया। अंकुर, तू मेंढक बन गया था। अंकुर वस्त्रिका, वो देखो लिली, वस्त्रिका। तुम्हें एक ऐसी जगह ले चलता हूं जहां फैशन की कोई चिंता नहीं। आओ। क्यों वस्त्रिका? हूं ना मैं कट ऑफ द रेस्ट।